विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना? भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। नागालैंड एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत के उत्तर पूर्व के अंतिम छोर पर स्थित है। ये राज्य अपने प्राकृतिक और अद्वितीय संसाधनों से संपन्न है, जिसके कारण यहाँ खेती की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए झरनों की अनुपम छटा देखते ही बनती है। इन झरनों का पानी जब ऊंची पहाड़ियों से नीचे घाटियों से होकर गुजरता है तो नदी का रूप ले लेता है। नागालैंड की कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती हैं। कुछ दूसरी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और म्यांमार में चिनविन नदी से मिलती हैं। दोयांग नदी नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इस नदी को राज्य का जलाशय भी कहा जा सकता है, जिसका कुल जल क्षेत्र 2258 हेक्टेयर है। नागालैंड में सबसे ज्यादा मछलियां इसी नदी में पाई जाती हैं। वर्तमान में तालाब मछली उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं। नागालैंड में तालाबों का कुल मिलाकर क्षेत्रफल 49,739 हेक्टेयर है। कहा जाए तो नागालैंड में मछली के विविध और विशाल संसाधन मौजूद हैं। इसीलिए मछली पालन राज्य की अर्थव्यवस्था के सुधार में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मछली पालन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजी रोटी और रोजगार प्रदान कर सकता है। इसीलिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और नागालैंड सरकार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के स्तर को प्राप्त करने की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रही है। मछली पालन समय के अनुकूल तो है ही, साथ ही लाभदायक भी है, लेकिन इसके समुचित विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि तालाबों में मछलियों की प्रजातियां बड़ी संख्या में वृद्धि करती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रजातियां ही व्यावसायिक तौर पर पाली जाती हैं। व्यावसायिक तौर पर तालाबों में मछली पालन करने का उद्देश्य मछली उत्पादन में अधिकतम संभावित दर को प्राप्त करना और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। मछली पालन में निश्चित रूप से अनुपूरक चारे की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका सीमित प्रयोग धन की बचत करता है। पानी का नियमित रूप से चूना और खाद आदि से उपचार करना आवश्यक है। संयुक्त मछली पालन में विभिन्न प्रकार की मछलियां जैसे रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प वगैरह एक साथ पाली जाती हैं।
दुनिया भर में भोजन के रूप में मछली की कई प्रजातियों का सेवन किया जाता है। पूरे इतिहास में मछली मनुष्यों के लिए प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। मछली की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके लिए मछली की खेती सबसे आकर्षक व्यावसायिक गतिविधियों में से एक बन गई है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र दीमापुर का दौरा किया, जहां मछली पालन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। किसान पूरे जोश के साथ इसमें भाग ले रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आपका जो खाने का डिमांड है ना, फूड डिमांड, वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया से इतना प्रोडक्शन बोलता हूँ, तो उसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। तो मुझे हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर स्टेट्स। हम आसाम पे डिपेंड है, हम मेघालय पे डिपेंड है। इन भागीदारों में एक बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी, जो मछली से मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इनके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि ये इस कार्यक्रम में भाग लेकर कितनी संतुष्ट हैं। यहाँ ये इस बात का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं कि किसी विशेष व्यंजन को बनाते समय किन किन मसालों की किस मात्रा में आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सामग्रियों के चयन पर अधिक निर्भर करता है और इस बात पर भी कि इन्हें क्या आकार देना है। लगाने का ऐसा छोटा छोटा मत करने का, बराबर करके, हाँ ये ऐसा ऐसा करके टेस्टिंग करने के लिए देगा, टेस्ट कर लो। ये देखो इसमें लगाते हो, बराबर देकर। हमने यहाँ फिश केक बनते हुए देखा और ये भी देखा कि इसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें ब्रेड क्रम्ब की आवश्यकता होती है, जिसे ब्रेड को पीसकर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें हल्दी, लौंग, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाया जाता है। और अब बारी आती है बेसन की। इन सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद इसे इस तरह आकार दिया जाता है। इसे तलने के बाद ये अब खाने के लिए तैयार है। फिश केक को संरक्षित करने के साथ साथ बाजार में भी बेचा जा सकता है। यहाँ सिर्फ फिश केक ही नहीं, बल्कि फिश पिकल का उत्पादन भी। बहुत बड़ा अंतर है, जो कि चिंता का विषय है। इसीलिए नागालैंड की सरकार इस खाई को भरने की पूरी कोशिश कर रही है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। असम में कृषि ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जहां कुल 70% लोगों की रोजी रोटी कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि यहां की जलवायु परिस्थितियां और मिट्टी की गुणवत्ता हर तरह की बागवानी और फसलों के लिए अनुकूल है। जब भूख लगे तो रेडी टू ईट फूड केले से अच्छा कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हर मौसम में मिलता है और इसे नापसंद करने वाले लोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए आम के बाद केला ही भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। असम में भी केला ही नंबर एक पायदान पर है। ये कुल 43,600 हेक्टेयर भूमि पर उगाया जाता है और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 6,06,000 मीट्रिक टन है। अपने कम मूल्य और अधिक पौष्टिकता के कारण केला सबसे लोकप्रिय फल है। ये जितना ताजे रूप में खाया जाता है उतना ही इसका सेवन पकाकर किया जाता है, यानी पके और बिना पके केले के रूप में। केला कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, विशेष रूप से विटामिन बी की मात्रा इसमें भरपूर होती है। ये पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये वसा और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त है और पचाने में भी आसान है। केला बुनियादी रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 75 से 85% नमी के साथ साथ 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। केले की खेती के लिए बलुई मिट्टी सबसे उत्तम होती है। जिस खेत में केले की फसल उगाई जाती है वहाँ की मिट्टी में पानी की अच्छी निकासी के साथ साथ बढ़िया उर्वरता और नमी होना आवश्यक है। हालांकि केले की खेती पूरे असम में ही की जाती है, लेकिन गोलपारा, नागांव और सोनितपुर जिले असम में सबसे अधिक केले की खेती वाले क्षेत्र हैं। असम में विशेष रूप से केले की जिन किस्मों की खेती की जाती है वो हैं जहाजी, बोर जहाजी, मालभोग, चीनी चंपा और मन जहाजी। इनके अतिरिक्त कुछ दूसरी किस्में भी हैं जिनकी खेती यहाँ की जाती है, जैसे कांच कोल, भीम कोल, जाति कोल और भारत मोनी वगैरह। जब तापमान बहुत कम या बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति को छोड़कर शेष किसी भी मौसम में बाजार की मांग के अनुसार पूरे साल केले की पौध लगाई जा सकती है। पौध लगाने के बाद 12 से 15 महीनों में फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे केले की मुख्य फसल सितंबर से अप्रैल के बीच ही काटी जानी चाहिए। केला जब थोड़ा या पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तभी इसकी तुड़ाई की जानी चाहिए। वैसे फल तोड़ने की प्रक्रिया काफी हद तक बाजार की निकटता और प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। अगर बाजार काफी दूर हो तो फल 75 से 85% तक ही परिपक्व होना चाहिए। आमतौर पर उगाया जाने वाला दूसरा फल है अमरूद। आधुनिक बागवानी में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बौने या छोटे पेड़ विकसित करने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया कुछ प्रजातियों के प्रचार प्रसार के लिए अपनाई जाती है। असम में कुछ किसानों ने गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का सहारा लिया है और साथ ही साथ अमरूद की पैदावार में भी वृद्धि की है।
हल्द्वानी की एक और फसल है संतरा, जिसकी खेती में भी किसान इसी ग्राफ्टिंग तकनीक को अपना रहे हैं। यहाँ कुछ नर्सरियाँ ऐसी भी हैं जो मुख्य रूप से संतरे के पौधों में ग्राफ्टिंग कर रही हैं। ग्राफ्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पौधे के एक भाग को दूसरे तने या दूसरे पौधे की शाखा पर इस तरह से बांधा जाता है कि दोनों आपस में अच्छी तरह जुड़ जाएं और साथ में बढ़ते भी रहें। ग्राफ्टिंग की इस तकनीक को अपनाने से बहुत बेहतर फलों की पैदावार हो रही है और किसान बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत में होने वाली संतरे की कुल खेती में से 10.8% खेती असम में ही की जाती है। असम में संतरे की प्रति हेक्टेयर उत्पादित मात्रा लगभग 11 मीट्रिक टन है, जबकि भारत में केवल 7.3 मीट्रिक टन है। संतरा खट्टे फलों में से एक महत्वपूर्ण फल है जिसकी बागवानी मौसम के आधार पर की जाती है। संतरे जाड़े भर बाजार में उपलब्ध रहते हैं जो सदाबहार पेड़ों पर उगते हैं। संतरे के पेड़ों की ऊंचाई 30 फीट तक हो सकती है। एक बार इसका पेड़ जब परिपक्व हो जाता है तो 15 से 20 साल तक फल देता है। संतरे में विटामिन सी, ए, बी और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। आप चाहें तो ताजे संतरे खा भी सकते हैं या फिर जूस, जैम और स्क्वैश के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। भारत में सबसे अधिक की जाने वाली फलों की खेती में संतरे की खेती का स्थान तीसरा है। वैसे तो भारत के लगभग सभी राज्यों में संतरे की व्यावसायिक खेती की जाती है, लेकिन असम में पैदा होने वाले संतरे की बात ही कुछ और है। असम में संतरे की खेती कुल 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है, जिससे 197.5 हजार मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन होता है। हम लोग का पहले जो फल था और अभी जो फल हम लोग कर रहा है वो फार्मर्स का फील्ड में थोड़ा फर्क है। पहले असम का एक संतरा फ्रूट्स था जो हम लोग इंडिजनस फल बोलता है, लेकिन उन लोगों का जो प्रोडक्शन उत्पादन वो थोड़ा सा कमी था। वो डे बाय डे उनका जो इम्पोर्टेंस वो अलग हो गया। अभी जो इनकम आय का बढ़ाने के लिए हम लोग सहायता दे रहा है। हम लोग का असम का जो फार्मर्स है सही ढंग से सही तरीका से एक्सेप्ट कर लिया और इसी का एरिया और उत्पादन बढ़ाने के लिए सब लोग हम लोग का साथ एक संग कदम कदम मिला के जा रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नागालैंड या मेघालय की तरह ही असम के अनन्नास के भी क्या कहने, ये भी उतने ही रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ इनकी दो किस्में पाई जाती हैं। इनमें से एक है क्यू और दूसरी जाइंट क्यू। यहाँ कुछ फल प्रसंस्करण केंद्र हैं, जहाँ अनन्नास से जूस और स्क्वैश तैयार किया जाता है। इस जल्दी खराब होने वाले फल को संरक्षित करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। हालांकि लगभग पूरे असम में ही इसकी खेती की जाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अच्छा उत्पादन होता है। संतरा, अनन्नास, केला और अमरूद वगैरह की पारंपरिक खेती असम में बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन हाल के दिनों में असम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बागवानी में कुछ बड़े रोचक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
उनमें से एक बदलाव है पैशन फ्रूट या कृष्णा फल, जो कि दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय फल है। भारत में कृष्णा फल की खेती नीलगिरी के पहाड़ों और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। कृष्णा फल का पौधा बेल प्रजाति का है, जिसे चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। कृष्णा फल एक अत्यधिक पौष्टिक फल है, जो कि आजकल विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य चाहने वाले लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। हम लोग नया नया फल का पौधा और खेती करने के लिए खेतियों को सहायता दे रहा है हम लोग का विभाग का तरफ से। हम लोग का नया करके स्ट्रॉबेरी दे रहा है, एप्पल बेर दे रहा है, ड्रैगन फ्रूट्स दे है, वो जो एक्जोटिक फ्रूट्स बोलता है वो फार्मर्स को दे रहा है। इसलिए वो 2021 में हम लोग का जो फार्मर्स है, खेतियक है, वो लोग का इनकम बढ़ाना है, डबल करना है। हम लोग विभिन्न स्कीम से आसनी से सहायता कर रहा है। हम लोग केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल का हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन, इसका अंदर दे रहा है। RKVI जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका अंदर हम लोग फल का पौधा और खेत बढ़ाने के लिए हम लोग सहायता दे रहा है। हाल के वर्षों में स्ट्रॉबेरी की खेती भी असम में काफी लोकप्रिय हो रही है और कुछ किसान इस खूबसूरत फल की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी को खास सुगंध, चमकदार लाल रंग, रसीलेपन और मिठास के लिए सारी दुनिया में सराहा जाता है। इसके ताजे फलों को या तो सीधे ही उपभोग किया जाता है या फिर जैम, जूस और आइसक्रीम के तौर पर उत्पादों के रूप में। स्ट्रॉबेरी की आधुनिक व्यावसायिक खेती में प्लास्टिक कवरिंग सिस्टम उपयोग में लाया जाता है, जिसे मल्चिंग कहते हैं। इस पद्धति में खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए प्लास्टिक से ढके हुए बेड बनाए जाते हैं। कवर में किए गए छेदों में से इसकी पौधकारी की जाती है और सिंचाई के पाइपों को नीचे चलाया जाता है। असम में ये पद्धति काफी बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। हालांकि ठंडे स्थानों में किसान इसे बिना प्लास्टिक के खुले में उगाते हैं। हाल ही में एक और फल ने असम की बागवानी में कदम रखा है, जिसे ड्रैगन फल कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय फल है, जो आजकल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। असम में एक नया फल हम लोग खेत कर रहा है, वो है ड्रैगन फ्रूट्स। इसका इम्पोर्टेंस वही है, उनका जो एंटीऑक्सीडेंट जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ा है, बहुत ऊपर है, क्योंकि हम लोग जानता है बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और उनका जो भाव है वो उनका लगभग 600 per kg बिक जाता है। वो उनका दो तीन प्रकार है, एक है रेड और एक है वाइट। वो डिमांड मार्केट का डिमांड से वो रेड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग पौधा दे रहा है, वो एक क्या होता है, एक जो खेती करता है एक आयरन पोस्ट कंक्रीट पोस्ट होना चाहिए, एक पोस्ट का चारों तरफ में सार पौधा लगाना है। वो धीरे धीरे आके पौधा का वो पोस्ट का ऊपर जाएगा। वो एक क्रीपर है, वो इनका स्टेम नहीं है, वो जो इम्प्रूव वैरायटी है वो हम लोग यहाँ में दे रहा है। ड्रैगन फल का पौधा कैक्टस की प्रजाति में से है और इसका वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरियस अंडेटस है। इस पौधे को होनोलुलु क्वीन भी कहते हैं। इसके फूल केवल रात के समय ही खिलते हैं। ड्रैगन फल में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये फल मैग्नीशियम और फाइबर का एक अच्छा स्रोत भी है। इस पौधे का संबंध सदर्न मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से है, लेकिन आजकल इसकी खेती असम के किसान सफलतापूर्वक कर रहे हैं।